नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ें आई हैं, जो कि एक तो एलटी ग्रेव जीएससी लेक्चर की भर्ती से संबंधित है और दूसरी आपकी है यूपी टीचर पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, जिसमें परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग और कई चीज़ों से लेकर के है। आज उस पर भी चर्चा करेंगे और एलटी ग्रेड पर भी चर्चा करेंगे, जिसकी काफ़ी हमारे साथी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत समय से, क्योंकि 2 साल बीते जा रहे हैं, लिए भर्ती आने के नाम से चल रहा है कि कब आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई है। देखते हैं कब तक आती है, आज आपको इसमें बताएंगे। ठीक, तो चलिए पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो इसी का फेसबुक पेज भी है, आप उस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, पहले बात करते हैं खासकर परीक्षा से संबंधित, यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षा से संबंधित, जो कि विज्ञापन 2022 का है, दोनों का लिखा है, कई पेपरों में इसका है। और तो हमने सोचा, एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप लोग जो कहते हैं कुछ कमेंट्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए आग्रह है कि आपसे गलत कमेंट ना करें। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, मेरा उद्देश्य इस तरीके से कोई अपडेट होती है इसीलिए मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, खाली या ऐसे बिना अपडेट के कोई वीडियो नहीं लाता हूँ। अगर न्यूज़ नहीं आती है कभी भी और यह हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हम वीडियो इस तरीके से नहीं बनाते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम आपको शुरुआत करते हैं, पहले ले चलते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर्स के संबंधित एग्ज़ाम, जिसके बारे में लिखा है कि परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद ही लंबित परीक्षाओं पर होगा निर्णय। यानी निर्णय जब तक परीक्षा नियंत्रक कंट्रोलर आपकी ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका आगे की परीक्षा तिथियों की घोषणा नहीं की जाएगी, ना हो पाएगी। उसके बारे में इसमें कुछ दिया हुआ, कुछ चीज़ें हम साथ में आपको पढ़ेंगे, समझा देंगे, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। इसके बाद एलटी के लिए जीएससी लेक्चर की वैकेंसी पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके भी समकक्षता और अन्य कई विवाद थे जो उसका मामला भी सामने आया है। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, टीजीटी पीजीटी और हायर के एग्जाम के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। आयोग की भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर को लेकर लंबित परीक्षाओं के आयोजन को होने वाले निर्णय में परीक्षा नियंत्रक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परीक्षा नियंत्रक के इंतजार में कई महत्वपूर्ण निर्णय अटके हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का आदेश 23 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। शासन ने उत्तर प्रदेश राजर्स टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। ठीक, यानी प्रतिनियुक्ति पर इनको रखा जाएगा। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से अनापत्र प्रदान की जा चुकी है, इन्हें एनओसी इनको दी जा चुकी है, लेकिन अभी उन्हें ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में उनकी नियुक्ति कोई बाधा नहीं है। हालांकि नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने के 10 दिन बाद भी परीक्षा नियंत्रक अभी ज्वाइन नहीं किया है। आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी करना है। साथ ही अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा की तिथियों का घोषित करनी है। परीक्षा तिथियां घोषित करनी है। आवेदन करने वाले लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर हो या लंबित भर्ती परीक्षाओं का निर्णय, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका परीक्षा नियंत्रक की होती है। 2 दिन पहले आयोग में हुई अध्यक्ष सदस्यों सचिव व अन्य अफसरों की बैठक में परीक्षा लंबित परीक्षाओं तथा परीक्षा कैलेंडर की बारे में समीक्षा की गई और विचार विमर्श किया गया। परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी अब जो भी होगा, चाहे परीक्षा कैलेंडर के निर्माण की बात हो या परीक्षा तिथियों की, इन दोनों की जब तक कि परीक्षा नियंत्रक नहीं आ जाते हैं, ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, तब तक निर्णय नहीं हो पाएगा। उनके आने के पश्चात ही निर्णय हो पाएगा। परीक्षा कैलेंडर की बात करते हैं तो परीक्षा कैलेंडर के पहले ही इस बारे में उप सचिव जी ने बताया था कि परीक्षा कैलेंडर पुरानी भर्ती की क्या आएगा, नई भर्ती जो होगी उसके लिए लाया जाएगा, क्योंकि इसकी परीक्षा ही करानी है तो इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भर्ती प्रक्रिया में कितने दिन का कब आवेदन आएगा, कितने दिन का आवेदन का समय दिया जाएगा, उसके पश्चात कितने दिन परीक्षा होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, एक पूरा शेड्यूल जारी किया जाता है। ठीक, इस तरीके से, क्योंकि इनके पास बहुत सी परीक्षाएं
अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी होंगी, टीटी भी होगी, इसके बाद प्राइमरी जूनियर और अन्य आगे तक डिग्री कॉलेज तक की परीक्षाएं होंगी। तो ये कैलेंडर में सुव्यवस्थित सभी चीज़ों को रख सकते हैं अगर सभी इनके पास अध्याचन प्राप्त हो जाते हैं समय पर, जैसा कि ई अध्याचन पोर्टल इसमें ऑनलाइन खोल दिया गया है। सभी विभाग अपने यहाँ रिक्तियों का विवरण ऑनलाइन भेज सकते हैं, यानी अध्याचन भेज सकते हैं, यानी पद भेज सकते हैं। चलिए अब आप हम बात करते हैं कि आपकी जो LT ग्रेड UPPSC की LT ग्रेड GIC लेक्चर की भर्ती के बारे में है। देखिए इसके बारे में क्या न्यूज है लिखा है, GIC में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी। इसका मतलब क्या है, कई बार आप विज्ञापन देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि समकक्ष इंटर या इसके समकक्ष या उसके समकक्ष, यही मामला हो, इसी विवाद के कारण कभी कभी लोग, जैसे हमने कहा था कि मास्टर ऑफ एजुकेशन ठीक और MEd वो भी एक ही जैसे माने जाते हैं, तो अब क्या है कि दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता था उस कंडीशन में। अब कुछ पदों के लिए MEd वालों को एलिजिबल माना जाता था, कुछ लोगों को MA इन एजुकेशन जो थे उनको नहीं माना जाता था, ऐसे कई विषयों में ग्रेजुएशन में भी इक्विवेलेंट स्थिति की मामला था, तो उसमें विवाद हो जाते थे कि भाई उनको मौका दिया गया मुझे क्यों नहीं दिया गया। तो उसी के मामले में थोड़ा आपको बता देता हूँ, करा देता हूँ, समझ लीजिए। राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता विवाद सुलझ गया है। फिलहाल इसका सुलझ ये पहले ही गया था, पहले भी आपको सबको न्यूज बता तभी हो गया था, लेकिन लेटर इनको अब जारी किया गया है क्योंकि वो अभ्यर्थी लोग गए थे, उन्होंने कहा कि हमने सब इसको सुलझा दिया है, कोई विवाद नहीं बचा है, कुछ सर्विस रूल और अन्य चीज़ों का मामला बचा था जिसके कारण जो है निदान होना था। अब इसका संबंधित आयोग को जानकारी भी दी गई है, तो उसमें वही बारे में लिखा है कि प्रवक्ता भर्ती सुलझ गया है, अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई, समकक्षता वर्ड ही हटा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृत के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC को भेज दिया है। स्वीकृत होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय विद्यालयों और सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं, लगभग 7,000, ठीक 7,000 से ऊपर ही हैं पद तो काफ़ी रिक्त हैं, लेकिन इनके पास अध्याचन जो प्राप्त हैं ठीक LT ग्रेड और GIC के अलग हो 7,000 के अर्थपुत में है, उसी पर ये नया विज्ञापन निकालेंगे। इन पदों में भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने UPPSC को अध्याचन भेजा गया था। UPPSC ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, ऐसे में कई मामले कोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों में सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है, भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था, इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अध्याचन को लौटा दिया। इसके बाद वह बाद से यह मामला सामने शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक हुई, इसके बाद शिक्षक की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। अपर निदेशक राज्य की अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता से समकक्षता हटा दिया गया है और UPPSC से उसी की स्वीकृति का इंतजार है स्वीकृति मिलने के बाद अध्याचन भेज दिया जाएगा। अब हमको ये थोड़ा यहाँ विवाद की स्थिति कि स्वीकृति के बाद अध्याचन भेजा जाएगा, लेकिन पहले के मामला था कि अध्याचन ऑलरेडी भेजा हुआ है और समकक्ष और सर्विस रूल का मामला सामने आ रहा था कि उसको विवाद हो जाए तो नया विज्ञापन निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति कर दें कि ये नए विज्ञापनों के लिए कहा जाए, नए अध्याचनों के लिए, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि नए अध्याचनों के लिए है, पुराने अध्याचन ऑलरेडी इनके पास हैं तो उसका विज्ञापन निकालना है। मुझे ये लगता है कि वो उस आधार पर इनका विज्ञापन लगभग 2 महीने में निकल जाएगा। अभी तक वही चल रहा था कि इसमें एक नया वर्ड आया है कि अध्याचन भेजा जाएगा, इसका मतलब नए अध्याचन जो होंगे, तो नए अध्याचन के लिए ई पोर्टल ऑलरेडी खुला हुआ है तो उसके माध्यम से मांगे जा रहे हैं सभी विभागों की तरफ से, तो ये नए अध्याचन के लिए बात की जा रही है। पुराने अध्याचन ऑलरेडी आयोग को प्राप्त हैं, उसमें सर्विस रूल का संबंधित कुछ मामले थे, वो उसको निदान होने के पश्चात आपका विज्ञापन आने की संभावना है। मुझे लगता है कि लगभग 2 महीना इसमें लग जाएगा, इससे पहले आपका विज्ञापन नहीं आ पाएगा। साथियों चलिए कोई अपडेट होगी तो आपको अवगत कराएंगे। चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।